नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं हेल्दी पिज्जा। दोस्तों पिज्जा बेस भी मैं घर पर ही बनाऊंगी, तो उसके लिए 2 कप मैदा ले लिया है, उसमें 1.5 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच एक्टिवेटेड राइस्ड, नमक 1 चम्मच, चीनी 1 चम्मच, इन सबको डाल के मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। पानी मैंने रूम टेम्परेचर का ही लिया है। पिज्ज़ा बेस के डो को बहुत देर तक मसलना पड़ता है, इसे मैं पहले मिला लूंगी। उसके बाद इसको मैंने सूखा आटा डालकर काफ़ी देर तक मसला, पहले मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इस तरह से एक चिकनी लोई बना लूंगी, फिर उसे मैं बर्तन में वापस रख कर उसमें मैं थोड़ा सा चारों साइड घी लगा लूंगी। अब मैं इस डो को 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। 2 घंटे के बाद ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब मैं इसे बस मिक्स करूंगी 1-2 बार और इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। पिज़्ज़ा बेस थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको पतला बेस चाहिए तो आप इसे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे पतली लोई बनाकर इसे पतला बेल लें। मैंने सारी लोई एक साथ बना के रख ली। अब मैं पिज़्ज़ा बेस तैयार करूंगी। मैंने पहले सूखा आटा छिड़का और पिज़्ज़ा के आकार में इसे बेल लूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। पिज़्ज़ा बेस मैंने मीडियम साइज़ का बना के फोक की सहायता से इस तरह से छेद कर लिया। मैंने 5 मिनट पहले पैन को गर्म कर लिया था, उसमें मैंने 5 मिनट के लिए इसे एक तरफ से सेक लिया। मैंने इसे एक ही तरफ से सेका है, जिस साइड से मैंने सेका है उस साइड अब मैं लगाऊंगी इसमें सेजवान सॉस। और इसमें मैंने ढेर सारी वेजेस डाली है। वेजेस आप अपनी इच्छा अनुसार डालें, जो आपको पसंद हो वो डालें, जो आपको नहीं पसंद है या आपके बच्चों को नहीं पसंद है उसे आप इग्नोर करें। अब मैं इसमें डालूंगी मोजरेला चीज़। मोजरेला चीज़ भी आप अपनी इच्छा अनुसार डालें। मैंने अब शिमला मिर्च को काट के डाला है, इसे भी आप छोटे बड़े साइज़ में अपने मनपसंद आकार में आप इसे डालें, सजाएं। वैसे पिज़्ज़ा सजाना तो सभी को पसंद पड़ता है, ये होते ही इतने कलरफुल है ना, देखकर ही मज़ा आ जाता है। इसे अब मैं टमाटर से भी सजा दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए प्याज। प्याज भी आप अपनी इच्छा अनुसार डालें, कम ज़्यादा। मैं इसमें थोड़े पनीर भी डालूंगी। पनीर को मैंने 10 मिनट पहले सेजवान सॉस में मैरिनेट करके रख दिया था। थोड़े मैं डालूंगी इसमें स्वीट कॉर्न और थोड़े चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब मैं इसमें डालूंगी ऊपर से क्रश करके चीज़। मैंने पैन में थोड़ा सा घी डालकर उसमें मैं पिज़्ज़ा को धीरे धीरे डाल दूंगी और मैं साइड से भी थोड़ा सा घी डालूंगी ताकि पिज़्ज़ा में थोड़ा सा क्रिस्पीपन आए। पिज़्ज़ा बेस बनाने के बाद मैंने गैस को ऑफ नहीं किया था, सिम करके ही गैस पे छोड़ दिया था जब तक मैं इसको डेकोरेट कर रही थी, ताकि ये प्री हीट हो जाए। पूरे 10 मिनट के बाद ये पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस पिज़्ज़ा को बाहर निकालूंगी। अगर आप पिज़्ज़ा को इस तरह से घर पे बनाकर खाते हैं ना, तो मार्केट का पिज़्ज़ा आप खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है और आपको लगता है ना कि आपने इसे घर में बनाया और किस तरह से बनाया और कौन कौन सी वेजेस डालनी है नहीं डालनी है वो आपकी इच्छा अनुसार होगा। अब आप इसे अपने मनपसंद आकार में काट लीजिए। अब मैं आपको इसका पीछे साइड भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कितना अच्छा बना है, पीछे से बिल्कुल नहीं जला है। पीछे साइड भी ये बहुत ही क्रिस्पी बना था। अब आप इसे मनपसंद आकार में काटिए, सजाइए और इंजॉय कीजिए।